सराखों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपो निधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महाअर्थ को व्याख्यित किया, महाअर्थ को व्याख्यित किया। सराको धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपो निधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, सीएस संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, ए 251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015, राजस्थान। भाव संग्रह ग्रंथ के माध्यम से हम सभी भव्यात्माओं का कुशल मार्गदर्शन आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से किया है। उन्होंने धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए हम सभी को कैसे एकत्व भक्त चैतन्य आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं, एक गाथा के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। मोक्षम धम्मज्ञानो उत्तम तुपमाय विरहिये ठाणे देश विरए पमते वयारेणे वणाय बौ। धर्म ध्यान एक डिप्रेशन मुक्त होने का मेडिसिन, धर्म ध्यान एक नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने का माध्यम, धर्म ध्यान कमजोर मनोबल को बलशाली बनाने का एक हेतु, धर्म ध्यान तन और मन को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया, धर्म ध्यान बढ़ता हुआ यह विलासता के जीवन को सात्विकता में ढालने का सांचा, धर्म ध्यान हिंसक जीवन से अहिंसा की यात्रा, धर्म ध्यान अंधकार से प्रकाश का जीवन, धर्म ध्यान पाश्चात्य संस्कृति से भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ने का कुशल मार्गदर्शन, धर्म ध्यान पतन से उन्नति की ओर बढ़ने का तरीका, धर्म ध्यान हैवान से इंसान बनने का तरीका,
धर्म ध्यान अंधकार से प्रकाश की ओर, धर्म ध्यान अशांति से शांति की यात्रा, धर्म ध्यान बहिरा। उस धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए भाव संग्रह क्या कहते हैं, मुख्य धर्म ध्यान तो अप्रमत्त नामक गुणस्थान में ही संभव है। कल मैंने चर्चा की थी मुनि महाराज का यह वेश है 607th क्लास, छठवा और सातवा गुणस्थान अगर हो सकता है तो वह इस दिगंबर मुद्रा में ही संभव। तो सातवें गुणस्थान में इन्होंने धर्म ध्यान की बात की। देश विरत परमत्व विरत गुणस्थान में इन्होंने उपचार से धर्म ध्यान की बात की। मैंने इसकी एक बार चर्चा आपसे की थी, दसवें गुणस्थान तक कुछ आचार धर्म ध्यान मानते हैं, फिर आगे सकल ध्यान मानते हैं और कुछ आचार श्रेणी में भी। तो धर्म ध्यान एक जीवन में जीने की कला, धर्म ध्यान बुड्ढे को युवा बना दे वह धर्म ध्यान है और युवा को बुड्ढा बना दे वह है पाप कार्य, अशुभ उपयोग, अशांति का जीवन, रोगी का जीवन। बंधो आज धर्म की चर्चा युवा पीढ़ी के बीच में, जन सामान्य के बीच में आप करें तो शायद वो बहुत लंबा चौड़ा पुराण आपको सुना सकता है। लेकिन जब मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक तथ्य हम सबके सामने आते हैं तो सहज में ही धर्म ध्यान के प्रति आस्था बनती है, श्रद्धा बनती है और वह जीवन विकास की ओर बढ़ता है। पहले मैं थोड़ी सी आपसे और शास्त्रीय चर्चा करूं और वह प्रसंग है अवरत सम्यक दृष्टि क्या मोक्ष मार्गी है या नहीं। अनेकों आचार्यों की व्याख्या चर्चा आचार्य उमास्वामी के हाई कोर्ट में जब मिलते हैं, सूत्र की मैंने कई बार चर्चा की है क्योंकि ये सूत्र इतना विशाल और व्यापकता को लिए हुए है, जीवन भर तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण मोक्ष मार्ग की व्याख्या की जाए तो शायद उसकी व्याख्या कोई वक्ता कर नहीं पाएगा। चलो मैं ले चलता हूं आपको आपके निकटवर्ती शहर फिरोजाबाद की तरफ। पंडित माणिक चंद कोंदे न्यायाचार हुए, एक बहुत बड़े विद्वान हुए और ये पंडित माणिक चंद कोंदे न्यायाचार आचार्य विद्यान स्वामी की वर्तमान की टीकाओं में उपलब्ध टीका श्लोक वार्ते सन 25 की बात है। उम्र कोई उनकी ज्यादा नहीं थी लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत तेज थी। पता नहीं मैंने यहां वह चर्चा की है कि नहीं की है। 20 वर्ष का वह नौजवान भदेनी घाट पर बनारस में नव न्याय के जानकार और बड़े बड़े 90 वर्ष के वेदांतवादियों के बीच में और स्यादवाद और अनेकांतवाद सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है अकर्तावाद की जब तार्किक बातें रखता था तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों वे दांतों तले उंगली दबा जाते थे। ऐसे थे पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार। उन पंडित माणिकचंद कोंदे न्यायाचार ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग
इस एक सूत्र की व्याख्या लगभग 700 से 800 पृष्ठ में आचार्यों ने सम्यक दर्शन होने से, जिन्हें प्रभु की वाणी पर विश्वास होने से, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है इसलिए। लेकिन पंडित टोडरमल जी, क्या मोक्ष महाप्रकाशक बहुत चर्चित है और उनके जो शब्द रहे वे शब्द आपको अक्षर से सुनाना चाहता हूं। नौवें अध्याय में ताते अनंतानुबंधी के गए कछु कषायन की मंदता तो होय है, परंतु ऐसी मंदता न होय है जाकर को चारित नाम पावे। जहां ऐसी कषायन का घटना होय, जाकर श्रावक धर्म व मुनि धर्म अंगीकार होय, तहां ही चारित नाम पावे है। मिथ्यात्वादि असंयत पर्यंत गुण स्थानन विषय असंयत नाम पावे है। यह पंडित टोडरमल जी के शब्द मैंने आपको बताए और इसी को हमारे अनेकों आचार्यों ने धवलाकार षटखंडागम के जो शब्द हैं असंजत सम्मा इत्थिति को भावो उपसमियो वा खयो वा खवसमियो वा भावो उदयेण भावेण पुणो असंजदो, ये षटखंडागम की मैंने टीका आपको सुनाई। और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि अवर सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं है। इसी बात को आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में, उनके शब्द हैं, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान से व अन्यतर से आत्मलाभे चारित्र मूत्रम भजनीयम, वो कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र तो भजनीय। सम्यक दर्शन होने के बाद बहुत तरह की विशुद्धियां अनंतानुबंधी कषाय के विदा होने से अनंत संसार नहीं होता है। लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र हो भी नहीं भी हो, उन्होंने शब्द दिए हैं भजनी। कहना यह चाहता हूं कि चारित्र संज्ञा अगर आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में देखें, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष की निवृत्ति होना ही, और छेढ़ाला के शब्दों में आप रूप में लीन रहते सम्यक चार सोई, सकलम विकलम सकल चारित देश चारित, तो संयम की जो संज्ञा है तप कर्म तो छठवें सातवें गुण स्थान में, ये धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी के शब्दों में मैंने बताया। तो हमें भी वहां कैसा चारित्र, इसकी मैंने आपसे पहले बात की थी, अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी केवल ये सामान उसके जीवन में है। तो हमें इन सब चीजों में शादवाद अनेकांतवाद के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। आज वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं में एक समस्या है, विजाति विवाह के भंवर में बच्चों को कैसे संभालें, बड़ा ज्वलंत प्रश्न समाज के सामने है, युवा युवती के सामने है, क्या समाधान है? बंधु, इन सब का समाधान तो एक ही है, वह है संस्कार। इन सब का समाधान है परिवार में संस्कार होना, समाज संस्कारित हो, बच्चों में मंदिर जाने के संस्कार,
ये धार्मिक आयोजन, ये धर्म सभा इसमें समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समय के साथ हर चीज में परिवर्तन हुआ करता है। संयुक्त परिवार जब हुआ करते थे तो बच्चों को संस्कार मिलते थे, ताई का, चाची का, ताऊ और चाचा का बड़ा प्यार दुलार मिलता था बच्चों, और डर भी रहा करता था। परिवार में मान मर्यादाएं, श्रेष्ठ आचरण, और धार्मिक क्रियाएं, ये हमारे, मैंने कई बार कहा, ये हमारे परिवार की सुरक्षा थी। हम इस वातावरण, इस विकृति को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे और बच्ची को, हर युवा और युवती को, हर छात्र छात्रा को हम इतना मजबूत बना सकते हैं कि वे कहीं भी किसी पुलोवन में फंस न पाए। आज शिक्षा जगत में, शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार है, और एजुकेशन, शिक्षा आज वर्तमान में जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ क्या हम संस्कार दे पा रहे हैं बच्चों को? एक ही सबके पास डायल है, बच्चे मानते नहीं हैं, युवा मानते नहीं हैं, बेटियां मानती नहीं हैं, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ हमारे शीलचंद जी अनोरा वाले, जो अटा मंदिर के प्रबंधक, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और कोई भी साधु अगर पहुंचता है उसकी परिचर्या में ही नहीं, और मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा सहयोग, मैं उस समय न प्रवचन करता था, न लोगों से मिलता था, मुझे पढ़ाई का बड़ा जुनून था, कैसे न्याय, व्याकरण, दर्शन, सिद्धांत में कैसे अधिकार पूर्ण ज्ञान हो सके। और जब समाज का विरोध हुआ तो आपने कहा, भाई महाराज को हार मत कराओ, तुम कोई विद्वान का खर्चा मत करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, सीएस संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A 251-252, लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015, राजस्थान।